निर्मला, ये हमारा शांताराम ये कर्ज के मकर जाल में फंसने जा रहा है। नहीं, इसे रोकना होगा। आओ, ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएगा ना, होने दो, लेकिन मैं उसका नुकसान नहीं होने दूंगा। उसका नुकसान मैं नहीं देख सकता। नहीं, आओ आओ, सुनिए तो। शांताराम, बाबा को क्या हुआ? ये अचानक से बाहर क्यों आ गए? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कर्जा ले रहे हो तुम? तुम्हारा कारोबार तो ठीक ठाक ही चल रहा है। नहीं, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर सकता हूं। नहीं बाबा, अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए मैं ये कर्ज ले रहा हूं। शांताराम, व्यापार का, कारोबार का विस्तार मुनाफे के पैसे से होता है। मुनाफे के पैसे से विस्तार करो, कर्ज लेकर नहीं। कर्ज लेकर बेकार में चिंता क्यों मोल ले रहे हो? बाबा, बड़ा बनना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, और ये व्यापार मैं सालों से कर रहा हूं, मुझे सब आता है। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं इस कर्जे की रकम को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता हूं तो मुझे फायदा ही फायदा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। तुम्हारी उम्र है अभी जोखिम लेने। जोखिम? ये जोखिम उठाए, नुकसान हो गया तो? नहीं, आप साहूकार हैं, आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको तो अपने कर्जे की किश्त समय पर चाहिए। समय पर नहीं मिली तो वसूलने के लिए आप छाती पर चढ़ जाएंगे। दोनों हाथ में लड्डू है ना आपके, नफा हो या नुकसान, आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको तो अपने पैसे से सरोकार है ना? शांताराम, मुझे पता ही नहीं था कि तुम अभी भी बच्चे ही हो, जिसे अपना निर्णय लेने की आजादी ही नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपने पिता की अनुमति लेनी पड़ती है। मेरे विचार से तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कारोबार के विस्तार के विषय में सोचना ही छोड़ दो। तुमसे हो नहीं पाएगा। ये क्या किया आपने बाबा? ये मेरा कारोबार है और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इसे कैसे करना है। अपना भला बुरा समझने की समझ है मुझ में, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। और मुझे मेरे काम में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं। सेठ जी, आप दस्तावेज और रकम तैयार रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास कर्ज लेने। तुम जैसे मेहनती लोगों की मदद करने के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। चलता। आपको क्या लगता है बाबा कि आप आ गए हैं तो हम सबको आपके अनुसार चलना पड़ेगा? नहीं, आपके बिना भी हम सब ठीक ठाक जी रहे थे। अब मैं बड़ा हो गया हूं, आपकी उंगली पकड़कर चलने की जरूरत नहीं है मुझे। आपके लिए बहुत इज्जत थी हमारे मन में, तभी तो जब आप आए गांव में तो हमने आपका स्वागत किया। खुशी थी कि आप हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कभी आप भी तो सोचिए कि आपकी मौजूदगी औरों के लिए कितनी परेशानी बनती जा रही है। उषा को बात बात पे टोकते रहते हैं आप, घर की रानी को नौकरानी बना दिया आपने, कल मेरे दोस्तों की बेइज्जती कर दी आपने। इतना कुछ होने के बाद भी आपको अब भी समझ में नहीं आता, आज फिर मेरे काम में दखल देने आ गए आप। बेटा, अफसोस है कि तुमने मेरे शब्द सुने। उनके भाव क्या हैं, उसके पीछे मंशा क्या है, उसको नहीं समझा। मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोचता हूं तो तुम्हें वो रोक टोक लगती है, हस्तक्षेप लगता है। शांताराम, मैंने अभी अभी जो कहा
उसके बारे में अगर शांति से ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम्हें तुम्हें पता चलेगा कि उसमें तुम्हारी भलाई ही है। भलाई? किसी की भलाई समझने के लिए पहले जरूरी है कि आप उसे समझें, उसकी जरूरतों को समझें। कितना समझते आप हमें? हाँ, मैं बताता हूं। ये साड़ी लाया आप ना, इसे देखते ही मैं समझ गया था कि उषा इसे एक बार भी नहीं पहनेगी। और ये चौपड़, आपको अभी भी लगता है कि मैं वही छोटा बच्चा हूं और मेरे पास इसके लिए समय है? इतनी छोटी चीज भी आप नहीं समझे हमारे बारे में, और आप हमारा भला बुरा समझने का दावा करते हैं। आपकी उंगली पकड़कर चलने वाला बच्चा नहीं रहा अब मैं। मुझ में सही फैसला लेने की क्षमता है, अपना भला बुरा समझने की क्षमता है। आपके हस्तक्षेप के बिना मैंने व्यापार किया है और मैं सफल रहा हूं, और आगे भी मैं सफल रहूंगा। अगर तू मेरे साथ चलेगा ना तो मैं तुझे मिठाई दूंगी। ठीक है, चल चल आ जा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आइए मेरे साथ। बताइए क्या बात है साईं? आजकल ये जिद्दी हो गया है बहुत, हर समय जिद, खाना भी नहीं खाता और हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। इससे अगर कुछ काम कराना होता है ना तो इसे लालच देना पड़ता है। आज सुबह श्रीकांत जी आए थे हमारे घर पे इसका हाल समाचार पूछने, क्योंकि ये 3 दिनों से पाठशाला नहीं गया था, जबकि यह रोज सुबह पाठशाला के लिए निकलता था और आज भी सुबह सुबह तैयार होकर पाठशाला के लिए निकल गया था, लेकिन पहुंचा ही नहीं। तब मास्टर जी के जाते ही मैं तुरंत इसे ढूंढने के लिए निकली थी, तब देखा तो ये बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था। साईं, मैं तो इसे समझा कर थक गई हूं, इसीलिए मैं इसे आपके पास लाई हूं। अब आप ही इसे समझाइए। बिट्टू मेरे पास आओ। जाओ ना, साईं बुला रहे ना। नहीं, मुझसे दोस्ती करोगे? देखिए ना साईं, कितना बिगड़ गया है, बदतमीज हो गया है। आप बिट्टू के बाबा से मेरी बात कराइए, उन्हें लेकर आइए मेरे पास फौरन। जी जी साईं।
किसी की भलाई समझने के लिए पहले जरूरी है कि आप उसे समझें, उसकी जरूरतों को समझें। कितना समझते आप हमें? हाँ, आपको अभी भी लगता है कि मैं वही छोटा बच्चा हूं और मेरे पास इसके लिए समय है? इतनी छोटी चीज भी आप नहीं समझे हमारे बारे में। निर्मला, हमारा बेटा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि अपने बाबा पे चिल्लाता, बाबा को, वो भी बाहर वालों के साथ। क्यों आप उसकी बातें दिल से लगा रहे हैं? आप जानते हैं ना, वो बचपन से ही गुस्सैल है। आप जब छुट्टियां खत्म करके जाने के लिए निकलते थे घर से, कैसे वो आपको रोकता था, और अगर आप नहीं मानते थे तो गुस्सा हो जाता था। बाबा हमें छोड़ के मत जाइए ना, कुछ दिन और रुक जाइए ना बाबा, बाबा हमें छोड़ के मत जाइए ना बाबा, हमें छोड़कर मत जाइए ना। शांताराम बेटा, मेरा भी जाने का मन नहीं करता, पर क्या करूं, मजबूरी है बेटा, कमाना पड़ता है, घर चलाने की जिम्मेदारी है ना मेरी। अच्छा ऐसा करते हैं, अगली बार जब आऊंगा ना तो थोड़े दिन और रुकूंगा, ठीक है? तो जाइए, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। शांताराम, तब मुझे बुरा लगता था कि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है और मेरे पास के लिए समय नहीं है। आज इसलिए बुरा लग रहा है कि मैं वापस आ गया हूं, मेरे पास समय ही समय है और मेरे बेटे को मेरी जरूरत ही नहीं है। उसे अपने बाप से ज्यादा अपने दोस्तों पे भरोसा है। क्यों सोचते हो ऐसा, आप बताइए, एक माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? यही ना कि वो अपने पैरों पर खड़े रहें, आत्मनिर्भर बने, उन्हें हम पर आश्रित ना रहना पड़े, यही ना? तो समस्या क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। शांताराम अब बच्चा नहीं है, उसका काम करने का एक अपना तरीका है, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अगर हम उसे समझाने जाएंगे तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। हालात को समझिए और आगे बढ़िए। संतुलन बनाने के लिए कभी समझौते भी करने पड़ते हैं। निर्मला, एक बात पूछूं, तुम हमेशा अपने बेटे का पक्ष क्यों लेती हो? क्योंकि वो ही हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। आज तो हम अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन और बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ख्याल वही रखेगा ना? इतना भरोसा है अपने बेटे पर? क्यों नहीं, हमारा खून है वो, हम एक परिवार है, ये हमारा घर है। मुझे पता नहीं था निर्मला कि अपने घर में रहने के लिए झुकना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। साईं, thank you.
साईं ये सो गए थे, गहरी नींद में थे, उठाकर सीधे यहाँ लाई हूँ। जी जी साईं, वो जल्दी जल्दी में आना पड़ा, इसलिए नशा, मेरा मतलब नींद का नशा पूरी तरह से गया नहीं है। अब जाके क्या आप जानते हैं मैंने आप दोनों को यहां क्यों बुलाया है? जी जी साईं, मेरे बेटे के कारण। वो बहुत बदतमीज हो गया है, मेरी भी नहीं सुनता। बिट्टू की आई ने बताया मुझे कि उसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया। मैं उसकी आपकी पत्नी को लगता है कि परामर्श की, मार्गदर्शन की जरूरत आपके बेटे बिट्टू को है, पर मुझे लगता है कि परामर्श, मार्गदर्शन की जरूरत आपके बेटे को नहीं बल्कि आप दोनों को है। भिंडी की सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। नाटक नहीं, चुपचाप खा लो। नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा तो मार खाएगा, कहा ना चुपचाप खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। आनंद, क्या बदतमीजी है ये? अन्न है वो, ऐसे फेंकते उसे। बहुत बिगड़ गया है ये, सुबह मेरे रोकने पर भी चला गया और अब इसकी हिम्मत तो देखो, खाना फेंक दिया। क्या हो गया तुम दोनों? बच्चा होती है, गलती होती है बच्चों से, लेकिन ये क्या तरीका है? दोनों डांटने मारने लग गए, ऐसे बर्ताव करते हैं क्या अपने बच्चों के साथ? बाबा, आप तो हमें मत ही सिखाइए कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वैसे भी आपके आने से पहले मैं ही यह फैसला करता था कि इसे कैसा बर्ताव करना है। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। दिन भर का थका हारा आदमी घर आता है कि चैन से दो निवाले खा सके, लेकिन नहीं, यहां तो हर समय बस तमाशा ही चलता रहता।
खाने की इच्छा ही नहीं है। हो, आओ खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये सच है साईं। बच्चे पर कभी हाथ ना उठाना, उसे कभी मारना पीटना नहीं, बस क्या इतना पर्याप्त है? क्या ये सच नहीं है कि आप भावनात्मक रूप से उसे कितनी चोट, कितनी ठेस पहुंचाते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कितनी बार हुआ है जब आप शराब पीकर अपने घर लौटे हैं और आप दोनों में लड़ाई नहीं हुई है। रोज होती है लड़ाई, और लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं होती है। आप भूल जाते हैं कि एक छोटा बच्चा, एक अबोध बालक आप दोनों को देख रहा है, आपको सुन रहा है। वो देख रहा है कि उसके माता पिता एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका बेटा तमीज से पेश आए। एक बार अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचकर बताइए, मार्गदर्शन की जरूरत आप दोनों को है या आपके बेटे को? संसार का हर बच्चा चाहता है कि जब उसका पिता शाम को घर आए तो उससे बात करे, उसके साथ खेले, कुछ समय दे, उससे पूछे कि तुम्हारा दिन कैसा गया। कभी कभार कुछ खिलौने, कुछ मिठाइयां अपने साथ लेकर आए। पर आप अपना सारा पैसा शराब में और समय आपस में लड़ने झगड़ने में बिताते हैं। और आप, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने अपने पति का गुस्सा अपने बच्चे पर ना निकाला हो? यह सच है कि आपने उस पर हाथ नहीं उठाया, उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचाई, पर गहरी चोट वो होती है जो इंसान के मन पर, उसके दिल पर लगती है। अंदर ही अंदर वो कितना टूट जाता है, इसका ख्याल है आपको? कोई अनुमान है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे आपका इस तरह से दारू पीकर इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने भी तुझे कितनी बार कहा ना कि तेरा ये बार बार एक ही बात बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों क्यों नहीं पसंद है? अरे क्योंकि अपने पैसे की पीता हूँ, किसी से मांगता नहीं, समझी ना? और तेरे को क्या इतनी परेशानी है? हाँ, अरे रोटी कपड़ा सब जुटा के देता हूँ ना। हाँ तो क्या करते हो, मेहरबानी नहीं करते हो? मैं भी पूरे दिन आपके घर का काम करती रहती हूँ। अरे काम करती है तो क्या एहसान करती है मेरे पे? मैं बोल देता हूँ तेरे को, ज्यादा ना मचमच मत किया कर, समझी ना? नहीं तो घर से निकाल दूंगा। अच्छा घर से निकाल दोगे? निकाल के तो देखो, कोई नहीं मिलने वाली आपको यहाँ पे काम करने वाली। सुन, मैं तेरे को बोल दे रहा हूँ कि ज्यादा उपदेश मत दे मेरे को, नहीं तो सोच ले कि घर छोड़ करके चला जाऊंगा मैं। जाओ अभी जाओ, इसी वक्त जाओ, कोई नहीं रखने वाला आपको। इनके कपड़ों से भी शराब की बदबू आती रहती है। देखिए ना मैंने क्या बनाया है। मेरे पास तेरी इन फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, तू जा जाकर अपनी पढ़ाई कर।
आज तो हम अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन और बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ख्याल वही रखेगा ना? इतना भरोसा है अपने बेटे पर? नहीं, ये सिर्फ एक बुरा दौर है, गुजर जाएगा। हमारे बच्चे दिल से मंशा से बुरे नहीं हैं। आप तो हमें मत ही सिखाइए कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपका ध्यान पाने के लिए बिट्टू जिद करता है? अपनी बात मनवाने के लिए शर्त रखता है वो, क्योंकि आप लोग तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि सच ये है कि आपसी लड़ाई में अपने बच्चे को प्यार देना तो आप भूल ही गए हैं। शुरुआत आपको करनी होगी। सबके लिए बेहतर रहेगा कि आप शराब पीना छोड़ दें और अपने परिवार को समय दें। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपके बेटे की हंसी संसार के किसी भी नशे से बेहतर है। अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। अभी बिट्टू छोटा है, विद्यालय से अनुपस्थित रह के खाना ना खा के वो अपना विरोध जताता है, पर अगर समय रहते आप में सुधार नहीं आया तो कल को कोई घातक कदम भी उठा सकता है वो। दूसरे का गुस्सा उस पर निकालने से, बिना गलती डांटने से आपका बच्चा आपसे ही दूर हो जाएगा। छोटे बच्चे आईने की तरह होते हैं, उनके सामने जो कुछ भी होता है वही उनमें प्रतिबिंबित होता है। जो अपने बड़ों को करता देखते हैं वैसा ही आचरण में लाते हैं वो। इसलिए जरूरी है कि हम उनके सामने एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें ताकि वो हमसे अच्छी सीख लें। अब हमें अपनी गलती पता चल गई साईं। जी साईं, अब मैं भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और एक जिम्मेदार पिता बनूंगा। और मैं प्यार देने वाली मां। ओ, ओ, ओ सुख दुख आने जाने हैं और साईं, बाबरा ये मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये राह समझाए। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई, राम जी भला करे। मन लगा के पढ़ना, ठीक है? आई को इतनी देर तक सोता हुआ नहीं देखा। हो सकता है कल रात जो हुआ उसकी वजह से हो। कुएं से पानी मैं ही ले आती हूं। बहू, निर्मला जाग गई? नहीं बाबा। जगा दो, अब तो जगा दो उसे।
बाबा मैं पानी लेने जा रही हूँ, आप देख लीजिए उन्हें। ठीक। निर्मला, निर्मला क्या बात है, अभी तक सो रही हो, उठी क्यों नहीं? किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम पहली बार इतनी देर तक सोई हो तो सोचा कि तुम्हें आराम की जरूरत है, सोने दें। निर्मला तुम थकी थकी लग रही हो, क्या बात है, सब ठीक तो है? बहुत बेचैनी हो रही है, शायद गर्मी की वजह से। हे भगवान, तुम्हें तो बुखार है, लेट जाओ। नहीं, लेट जाओ। शांताराम, शांताराम, क्या हुआ बाबा? शांताराम, तेरी आई को बुखार है, बदन तप रहा है इसका, पर ये कह रही कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी बेचैनी भी है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। एक काम कर बेटा, जल्दी से साई के यहां चला जा और उदी मांग के लिया जा, जल्दी जा, जल्दी जा। क्यों इतने परेशान हो रहे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आई खुद कह रही है, मतलब घबराने वाली बात नहीं है। लेटी रहो तुम, चुप जा, बुखार है, बदन तप रहा है, और कह रही हूँ मैं ठीक हूँ। प्रणाम साई, बाबा ने भेजा है उदी लाने के लिए, आई की तबीयत थोड़ी खराब है। सही समय पर आ गए हो, उदी लेकर सीधे घर जाना। उपचार में कुछ क्षणों की भी देरी हो तो तकलीफ बढ़ सकती है, जितनी जल्दी उदी दोगे लाभ उतनी ही जल्दी होगा, सीधे घर जाओ। जी सही। जल्दी घर जाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आई की तबीयत इतनी खराब तो नहीं थी? द्वारका मई से लौट रहा हूँ, आई को बेचैनी हो रही थी इसलिए बाबा ने उदी लाने भेजा था। आप घर ही जा रहे हैं ना? हाँ। तो ये एक बाल्टी आप पकड़ लीजिए, मुझे मदद मिलेगी। ठीक। कैसे हो शांताराम? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, बड़ी जल्दी में लग रहा है। हाँ, आज शिरडी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, इसीलिए जल्दी में। मतलब आप आज जा रहे हैं? फिर मेरे कर्ज का क्या होगा? तो अगले हफ्ते आऊंगा, तब ले लेना। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, मैं जल्दी से जल्दी अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता हूँ। ये जो तुम्हारे अंदर ललक है ना कुछ बड़ा करने की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए सामने से कर्ज दे रहा हूं। वैसे आधे घंटे का समय है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो अभी पैसे ले सकते हो, और तुम्हारी पत्नी भी साथ है तो साक्षी ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय कोई परेशानी है तो छोड़ दो, अगले हफ्ते ले लेना। आओ, आती हुई लक्ष्मी को मत ठुकराइए, अभी ही ले लीजिए। लेकिन साई ने कहा था आई को जल्दी से उदी देनी है। आपने कहा कि आई को बेचैनी हो रही है, और साई को लगा होगा कि आई की तबीयत ज्यादा ही खराब है। अरे चल रहे हो कि मैं जाऊं? नहीं नहीं, हम अभी आपके साथ चल रहे हैं। चलो।
इतने देर क्यों हो रही है शांताराम को आने में? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। निर्मला, थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत। शांताराम बस आता ही होगा उदी लेकर। साई, निर्मला, निर्मला आंखें खोलो। क्या हुआ निर्मला? आंखें खोलो निर्मला, निर्मला। साई, मदद कीजिए। मैं तो यही हूं। जब कोई आस्था से मुझे पुकारता है तो मैं जरूर आता हूं। साई, एक है ना मेरी निर्मला को, सुबह से बदन दब रहा है। मैं पट्टी कर रहा था तो थोड़ी देर पहले बेहोश हो गई। साई, मैंने शांताराम को भेजा था आपके पास उदी लाने के लिए। वो तो बहुत देर पहले ही उदी लेकर चला गया। क्या, तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं? साई, अब आप आ गए हैं, मेरी निर्मला को ठीक कर दीजिए। मैं निर्मला को ऐसी हालत में नहीं दे सकता। निर्मला को कुछ हो गया तो साई। सबरी रखिए एकनाथ काका, कुछ नहीं होगा इन्हें। आप बस सिर्फ मुझे इतना बताइए, क्या कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, जो असाधारण था? क्या काकी तनाव में थी? साई, और इसी तकलीफ में ये समस्याएं तो हर घर में होती हैं काका, आप परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएंगी। आप बस ये उदी पानी में घोल कर ले आइए। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई। लेटी रही, आपको आराम की जरूरत है। साई, ये लीजिए। कुछ बेहतर लगा? हाँ साई, पहले से लाख गुना बेहतर। साई, बुखार तो चला गया। तनाव के कारण बुखार के लक्षण थे, और अगर तनाव कम नहीं हुआ तो बुखार आ जाएगा। क्या बात है काकी, क्या परेशानी है मुझे बताइए। पूरे 150 रुपए का कर्ज ले रहे हो तुम, इस पर तुम्हें 3% की दर से ब्याज चुकाना होगा। जी, अगर मेरे मन मुताबिक काम चला तो मैं कुछ ही महीनों में सारा कर्ज चुका दूंगा।
तुम सच में बच्चे हो, वो भी एकदम भोले भाले बच्चे हैं। जिंदगी में पहली बार उधार ले रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी हो रही है। अरे कर्ज लेकर हवा में महल बनाते मैंने कईयों को देखा है, लेकिन जब कर्ज चुकाना पड़ता है तो नानी याद आ जाती है बड़ों बड़ों की। धन्यवाद। मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई है साई, बाप बेटे की लड़ाई में मैं पिस गई हूं। किसका पक्ष लूं, किसे चुनूं, पति को या बेटे को? ये दोनों मेरे लिए दो हाथ की तरह है। आपको किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, किसी को चुनने की जरूरत नहीं है। एक स्त्री तो माँ, बहन, बेटी, भाभी, पत्नी, सभी की भूमिका निभाती है और कभी पक्षपात नहीं करती। बेटे के लिए उसकी माँ होती है, माँ का फर्ज निभाती है, तो अपने पति के लिए पत्नी का धर्म निभाती है वो। तो बताइए साई, दोनों के बीच विचारों की खाई को मैं कैसे भरूं? वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। वक्त जख्म देता है तो मरहम भी वक्त ही लगाता है। हाँ, ये बात अलग है कि अच्छे दिन आराम से कट जाते हैं खुशी खुशी, पर बुरे वक्त आते ही हम टूटने लगते हैं। और ये भी सच है कि बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा कर जाता है। साई, जब परिवार में शांति हो, एकता हो, सद्भावना हो, तो बुरे से बुरे दिन निकल जाते हैं। लेकिन जब परिवार ही एक ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। समाज हो या परिवार, नजरिया सभी का महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है एक दूसरे के नजरिए की इज्जत करना। उषा देखना, कुछ दिनों बाद हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा। हम एक बड़ा कमरा बनवाएंगे घर के पिछले हिस्से में, ताकि जब भी हम वहां रहें हमें एकांत मिले। और हाँ, एक नौकर रख लूंगा तुम्हारे लिए, जो खाना बनाएगा और घर का सारा काम भी करेगा। आई को आराम तो तुम्हें भी आराम। फिर तुम्हारे लिए ढेर सारी साड़ियां ला कर दूंगा, जेवर ला कर दूंगा। अब हमारा समय बदलने वाला है। हाँ। आओ। अंदर जाने से पहले कर्ज के कागज छिपा लीजिए, कहीं बाबा ने देख लिया तो आसमान सर पर उठा लेंगे। हाँ, सही कह रही हो। ये बाल्टी कहाँ रखूं? वहां। उषा, ये उदी पानी में घुलकर आई के लिए ले आओ। जी। शांताराम, आने में इतनी देर क्यों लगी? अगर बाबा को सच बता दिया तो घर में अभी के अभी भूचाल आ जाएगा। बेहतर होगा कि मैं कोई बहाना बना दूं। पापा, वो मैं द्वारका माई पहुंचा तो साई नहीं थे। फिर उनका इंतजार करके मैं वहीं बैठा रहा, इसीलिए देर हो गई। उनके आते ही मैं उदी लेकर आ गया। और बहू, ये तो पानी लेने गई थी ना, ये तुम्हें कहां मिली? पापा, वो क्या है ना, ये मुझे रास्ते में मिल गए थे। तब इन्होंने बताया कि आई ठीक नहीं है, तो मैं इन्हीं के साथ द्वारका माई चले गई थी। झूठ बोल रहे हो तुम।
और शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? बाबा मैं साई खुद यहां आए थे और साई ने बताया कि बहुत पहले तुम वहां से ऊटी लेकर निकल चुके थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि साई समय पर आ गए, वरना आज तुम्हारी आई इस दुनिया से कहां गए थे? बोलो, सच सच बोलो। आप ये क्या कर रहे हैं? बताओ कहां गए थे? बाबा वो शर्म नहीं आती तुम्हें? यहां तुम्हारी आई बीमार है और तुम गंगाराम के यहां कर्जा लेने गए थे। तुम्हें अपनी मां से पैसा ज्यादा प्यारा है। तुमने समय पर मां को उदी देना जरूरी नहीं समझा? बाबा थोड़ी ही देर हुई है और जब मैं घर से गया था तो आई की तबीयत इतनी खराब नहीं थी। बहुत भरोसा था ना अपने बेटे पर, देख लिया, ये है इसकी असलियत। अपने कारोबार, अपने पैसे की फिक्र है इसे, लेकिन आई की, उसके प्राणों की कोई फिक्र नहीं है। बेटा, तुम्हारे बाबा के सामने मैं हमेशा तुम्हारा पक्ष लेती रही, तुम्हारा बचाव करती रही, कहती रही हमारा बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन आज जब तुम्हारे सहारे की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम यहां नहीं थे। तुमसे और बहू से ये उम्मीद नहीं थी। आई, हमें माफ कर दीजिए। बहू, निर्मला को तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। साबित कर दिया कि तुम दोनों को हमारी कतई फिक्र नहीं है। बस बहुत हो गया बाबा। शांताराम, इतनी देर से मैं सुने जा रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो चाहे कहते रहे। और ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने? कहा ना, मुझे नहीं पता था कि आई की तबीयत इतनी खराब थी। सुबह तो मामूली सी बेचैनी थी उन्हें और उदी लेकर घर ही आ रहा था मैं, लेकिन रास्ते में मुझे शेठ गंगाराम जी मिल गए जो एक सप्ताह के लिए गांव से बाहर जा रहे थे। फिर उन्होंने हमें अपनी दुकान पर बुला लिया कर्जा देने के लिए, और यह कर्जा मैं अगर अभी नहीं लेता तो एक हफ्ते के लिए मेरा काम रुक जाता। लेकिन आपको तो मुझे बुरा ही नजर आता है। ये शांताराम क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? और जिंदगी में हर चीजें देखनी पड़ती है बाबा, ऐसा नहीं होता कि कोई बीमार है तो सब काम बंद कर दिया जाए। कमा के लाने की जिम्मेदारी है मेरे सर पे, अपनी आमदनी बढ़ाने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मैंने वो कर्जा लिया। बाबा, मुझे अपने परिवार के बारे में भी सोचना पड़ता है, हर दम मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोच सकता। जब से आप आए हैं मुझे और उषा को सिर्फ समझौता ही करना पड़ रहा है।
अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ रही है, अपना सलीका, यहां तक कि खान पान भी बदलना पड़ रहा है। हमने हर संभव तरीके से अपने घर में आपके लिए जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन आभारी होने की जगह आप हमें ही नीचा दिखा रहे, जैसे हमें कुछ आता ही नहीं। निर्मला, यहाँ बैठो, बैठो। अच्छा किया शांताराम, बेटा बहुत अच्छा किया, हमारा भ्रम दूर कर दिया। मैं समझता था कि हम तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा है। नहीं जानता था कि अपने ही घर में हमें पराया समझा जाता। ठीक है बेटा, ऐसे ही सही। शांताराम, एक काम करते हैं, तुम अपने परिवार की देखरेख करो, हमारी चिंता ना करो। निर्मला और मैं एक दूसरे को संभाल लेंगे। आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप तो अपने मन की ही चलाते आ रहे हैं ना। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जब भी मैं आपसे बात करता हूं हमारा झगड़ा ही होता है, इसलिए बेहतर है कि हम लोग बात ही ना करें। शुक्रिया सलीम। शुक्रिया क्यों सही, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। राम जी भला करे। चलता हूं। अच्छा सुनो सलीम जी, जाते समय कुएं की तरफ से होकर जाना। ठीक है सही। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। ओ भाऊ जरा रुकिए। भाजी ले लो, भाजी ले लो। अजीब इंसान है, सब्जी लेने के लिए रोका तो चला गया। इसे सब्जी बेचनी भी है या ऐसे गांव के चक्कर काट रहा है। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? अरे बताओ ना आखिर क्या हुआ। देखो भाई, अगर तुम्हें चोट लगी है या कोई और समस्या है तो तुम्हें साईं के पास जाना चाहिए, उनके पास हर समस्या का इलाज है। क्या उनके पास मेरे दुर्भाग्य का भी इलाज है? दुर्भाग्य? हाँ साईं, मेरा केवल नाम ही पवित्र है सरजू, मेरी जिंदगी तो नाले की तरह गंदी है।
बदनसीब हूं साईं, पैदा होते ही अपनी आई को खा गया। आई के जाने के कुछ समय बाद अपने बाबा को डकार गया। सबने साथ छोड़ दिया साईं, सबने। फिर मेरे मामा ने मुझे अपनाया, मुझे गोद लिया। मेरे मामा मुझसे बहुत प्यार करते हैं साईं, लेकिन मेरी बदनसीबी उनके घर जाने के कुछ महीनों बाद ही उनको व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। फिर भी मेरे मामा ने कभी भी मुझे दोषी नहीं समझा, मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, मेरी मामी जरूर मुझे मनहूस कहकर पुकारने लगी। साहिब, बचपन से सब लोगों से मैं यही सुनता आया हूँ कि मैं मनहूस हूँ। मामा की ऐसी हालत देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना मामा की मदद की जाए, इसलिए मैंने सब्जी बेचना शुरू किया। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है साहिब कि मैं सबसे सस्ती और सबसे ताज़ी सब्जियां बाजार में बेचता हूँ, ये भी मेरे पास खरीदार नहीं आते, जबकि मुझसे महंगी और कम ताज़ी सब्जी बेचने वालों के पास खरीदार आते हैं। साईं, आज भी मैंने गांव में घूम घूम कर घरों के बाहर आवाज़ लगा लगा कर सब्जी बेची, लेकिन कोई भी सब्जी खरीदने नहीं आया साईं। साईं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरी ये बदनसीबी को दूर कर दीजिए साईं, मेरी मनहूसियत को दूर कर दीजिए साईं। पर मनहूसियत जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, विश्वास मानो मेरा, कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता, ये केवल हमारी सोच है। जब हम अपने जीवन के बुरे तजुर्बों को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं, खुद को उनके लिए दोषी मान लेते हैं और उस नकारात्मकता के साथ जीने लगते हैं, तो ये नकारात्मकता हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने लगती है। साई, मेरी सोच और लोगों को प्रभावित करती है? कैसे? वास आई, कितनी अच्छी खुशबू है, चंदन की सुगंध, मानो दिव्यता का एहसास करा रही हो। देखा तुम, केवल चंदन की इस खुशबू से तुम्हारा मिजाज बदल गया है, तुम अपनी परेशानियां भूल गए, और शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जब से तुम आए हो पहली बार मुस्कुराए हो तुम, इसी तरह तुमसे प्रसारित ऊर्जा तुम्हारे अंतर्मन को, तुम्हारी शारीरिक मुद्राओं को निर्धारित करती है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा बुझा चेहरा देखकर, तुम्हारी उदासी देखकर तुमसे तुम्हारी ये सब्जियां खरीदने के लिए कोई उत्सुक क्यों होगा? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम क्या बेच रहे हो, उसे बेचने के पीछे तुम्हारी सोच क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी सब्जियों को बेचने के लिए उत्साहित नहीं हो तो कोई खरीदने के लिए उत्साहित क्यों होगा? सबसे पहले अपनी सोच को बदल दो, सोच बदलोगे तो तुम्हारे कर्म बदलेंगे, और अगर कर्म बदलेंगे तो तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। बस, मतलब कोई तावीज वगैरह कुछ नहीं देंगे मुझे मेरा भाग्य बदलने के लिए? पहले जैसा मैंने कहा वो करो, अगर मैं गलत हुआ
तो तुम्हारी बुरी किस्मत को बदलने के लिए तुम्हें ताबीज जरूर दूंगा। तो बोलो, यहाँ सब्जियां बेचने के लिए तैयार हो तुम? जी साईं।